बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली जो BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का रिसेंटली पेपर हुआ है 12 तारीख वाला, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है 7:30 बजे वो कंडक्ट हुआ था सुबह को। आज अभी हम वो है उसको सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली टेस्ट में आ सकती है, क्योंकि IBA में जो है जो ग्रेजुएशन कैटेगरी में क्या हुआ था, IBA की जो टेस्ट थी जो एक दिन हो रही थी तो दूसरा दिन उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। तो उस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से अभी हम तैयारी करेंगे। तो अभी ये वीडियो ऐसे समझें कि उस पेपर को भी हम सॉल्व करेंगे उस और उसके हवाले से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा और बना के दिखाऊंगा भी सही, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको अगले आने वाले पेपर में ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए आज की जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ ईरान इज़, ईरान का कैपिटल क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन बी, तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। आप पहले क्या करें, जो भी ऑड वन होते हैं ना, जो भी आपको लग रहे हैं कि आपके क्वेश्चन का जो है ये आंसर नहीं हो सकता, तो उनको जो है आप रिमूव कर देंगे तो आपके चांसेस MCQ सही करने के बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब कैपिटल ऑफ ईरान क्या है, तेहरान, ठीक है। ज़हेदान ईरान की एक सिटी है, ताफ्तान जो है बलूचिस्तान की सिटी है जो कि बॉर्डर लगता है हमारा जो है ईरान के साथ, जिसे हम ताफ्तान बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। और काबुल जो है वो हमारा अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। अफ़गानिस्तान जिसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ अम्पायर्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ग्रेव यार्ड ऑफ अम्पायर्स किसे बोलते हैं, अफ़गानिस्तान को, ठीक है। और अफ़गानिस्तान और हमारे बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन कब जो है ड्रा की गई थी, वो की थी 1893 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं अगली आने वाली टेस्ट में, तो हम जो है इस टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही तैयारी करेंगे अभी हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द श्राइन ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह इज़ लोकेटेड इन, ख्वाजा गुलाम फरीद जो है उनकी टॉम्ब या उनकी श्राइन कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, ये लोकेटेड है राजनपुर में, ठीक है। अब ख्वाजा गुलाम फरीद का पूछ लिया है तो अगली टेस्ट में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये पूछें कि जो है बाबा फरीद छकरगंज जो कि एक मशहूर सेंट है हमारे पाकिस्तान के, और उनका जो है मज़ार कौन सी सिटी में है, ठीक है। तो वो कौन सी सिटी में है, पाकपतन पंजाब में है, ठीक है। पाकपतन एक सिटी का नाम है जिस पर जहाँ पर जो है बाबा फरीद छकरगंज का मज़ार वाक़ है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंजाब के कौन से शहर को या पाकिस्तान के कौन से शहर को सिटी ऑफ सेंट कहा जाता है, वलियों का शहर, ठीक है। वो किसको कहा जाता है, वो मुल्तान को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अरबिक किस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक नहीं है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तुर्किश, ठीक है। अब तुर्की के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे तुर्की का कैपिटल है अंकारा, तुर्की को यूरेशियन कंट्री कहा जाता है, इसका कुछ एशिया कुछ हिस्सा एशिया में आता है, कुछ हिस्सा जो है यूरोप में आता है, ठीक है। तुर्की वो वाहिद मुसलमान कंट्री है जो कि नेटो का हिस्सा है, नेटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में बना था, जिसके 31 मेम्बर्स हैं। रिसेंटली उसको जो है फिनलैंड ने ज्वाइन किया है, और फिनलैंड की जो है वो कैपिटल है हेलसिंकी, और जो नेटो का जो है वो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर वाक़ है, वो वाक़ है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमसे पूछे जा सकते हैं अगली टेस्ट में, ठीक है। अब तुर्की का कैपिटल देख लिया है तो तुर्की की करेंसी क्या है, तुर्किश लीरा। बहरीन का जो है कैपिटल क्या है, मनामा, और बहरीन की जो है करेंसी क्या है, बहरीनी दीनार, ठीक है। कतर की जो है करेंसी क्या है, कतरी रियाल। कतर का जो है वो कैपिटल क्या है, वो है दोहा। कुवैत का जो है कैपिटल है कुवैत सिटी, और कुवैत की जो करेंसी है वो है कुवैती दिनार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो आथर्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक का नाम है, उसका आथर कौन है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला वाज द राइटर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेल्सन मंडेला का ये क्वेश्चन अब अगली टेस्ट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है या हमसे पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला का ताल्लुक कौन सी जो है वो कंट्री से है, वो कंट्री है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 58 साल की उम्र में जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे,
और जो है 17 साल जो है ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। कार्ल मार्क्स जर्मन फिलोसोफर था। बराक ओबामा जो कि ईएक्स जो है प्रेसिडेंट थे यूएसए के, ठीक है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक सी, ठीक है। अब लैंड लॉक कंट्रीज़ तो हमने पढ़े थे लेकिन लैंड लॉक सी यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है। आप आईबीए वालों की मेंटेलिटी चेक कर रहे हैं ना कितने तेज़ हैं, ठीक है। तो लैंड लॉक सी नीचे ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एरल सी जो है वो लैंड लॉक सी है इन सारे ऑप्शन में से, ठीक है। एरल सी जो कि जिसका 60% लाइक करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इनमें जो है लाइक करता है। येलो सी जो है ये चाइना में लाइक करता है। अब यहाँ पर देखें लैंड लॉक सी इस टेस्ट में पूछ लिया, क्या पता अगली मरतबा लैंड लॉक कंट्री के बारे में पूछ ले, तो पाकिस्तान का जो है ये पूछ ले कि पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री कौन सा लैंड लॉक्ड है, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एशिया में डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, इट मींस जो है एक होते हैं लैंड लॉक कंट्री जिनको जो है कोई भी जो है वगैरह नहीं लगता समंदर वगैरह, या जो है जिनको मतलब जिनका सारा एरिया जो है वो लैंड से कवर होता है, लैंड से लॉक्ड होता है, चारों तरफ उनको लैंड होती है। डबल लैंड लॉक मींस जिसके जो है पड़ोसी मुल्क भी वो भी सारे लैंड लॉक थे, तो वो कौन से है, वो है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान जिसका कैपिटल क्या है, ताशकंद। उज्बेकिस्तान जो है उसका सराउंडेड कौन से कंट्री है, जैसे कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे जो है उसके लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ मोर अल्फ़ाबेट, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंधी लैंग्वेज जो है उसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें 52 जो है अल्फ़ाबेट पाए जाते हैं। उर्दू में कितने पाए जाते हैं, उर्दू में है 36 जो है, ठीक है। और उर्दू जो लफ्ज़ है उसकी मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग, उसकी लिटरल मीनिंग है आर्मी या काफ़िला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उर्दू की लिटरल मीनिंग क्या है, तो आर्मी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, उस पर। और जो है इंग्लिश में कितने हैं, 26। बलोची में कितने हैं, वो है 32, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगली टेस्ट में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ, तिब्बत पर कौन सा कंट्री क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है, ठीक है। जैसे कश्मीर पर जो है इंडिया क्लेम करता है, ऐसा जो है तिब्बत हमारा एक ऐसा रीजन है जहाँ जिस पर कौन सा कंट्री जो है वो क्लेम करता है, इट मींस कौन से किसका वो ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चाइना जो है उसका ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत, ठीक है। और जो है अब ये आ गए हैं तो हम इनके जो है कैपिटल देख लेते हैं, क्या पता अगली टेस्ट में ये पूछ लें। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, और जो है चाइना का कैपिटल है बीजिंग, और नेपाल का कैपिटल है खटमंडू, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है नेपाल में, ठीक है। और जो है हमारा SCO शिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड है बीजिंग में, ठीक है। रशिया का कैपिटल तो हमने देख लिया मॉस्को, लेकिन रशिया का जो है प्रेसिडेंट अगली आने वाली टेस्ट में क्या पता पूछ लें, तो रशिया का कैपिटल कौन है, वो है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन इज़, यमन की जो है ऑफिशियल करेंसी इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यमनी रियाल जो है यमन की ऑफिशियल करेंसी है, ठीक है। और यमन का कैपिटल क्या है, वो है साना, ठीक है। अब दिरहम किसकी जो है करेंसी है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन मैं एक आपको बताऊँगा कि जैसे दुबई की करेंसी है दिरहम, बकाया आप खुद देख लें। दिनार की किसकी करेंसी है, कुवैती दिनार जो है कुवैत की जो है करेंसी है। और रिंगिट किसकी करेंसी है, वो है मलेशिया की करेंसी, और मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर, ठीक है। ऐसे आप तैयारी करें इस पेपर को मद्देनज़र रखते हुए, इससे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है आप बना के तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आने वाली टेस्ट में, अगर आपको आपकी अगर अभी तक टेस्ट नहीं हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है +92 इज़ द कंट्री कोड ऑफ, ये क्वेश्चन जो है तकरीबन सारे लोगों ने सही किया होगा क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि +92 किस कंट्री का जो है कंट्री कोड है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम उनका भी देख लेते हैं, क्या पता हमसे उनका पूछ ले, ठीक है। अब जैसे सऊदी अरबिया का कंट्री कोड क्या है, वो है +966, और चाइना का कंट्री कोड क्या है, वो है +86, और कुवैत का जो है वो क्या है कंट्री कोड +965। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दुनिया में कौन सी करेंसी
का सिक्का जो है सबसे महंगा है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से, ठीक है। अगर उसको हम पाकिस्तान की करेंसी में जो है कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है, उनका एक रुपया। तो वो कौन सी करेंसी है, कुवैत के बारे में ये कहा जाता है और है भी सही, ठीक है। कुवैत के बारे में ये बात मशहूर है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अ कंट्री फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, एक ऐसी कंट्री जो कि तेल पर तैर रही है, वो किस कंट्री को हम कहते हैं, वो भी हम कुवैत को ही कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टॉम्ब ऑफ बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर इज़ इन, मैंने आपको बोला था कि मुगल रूलर के जो भी डेवलपमेंट्स है वो कहाँ पर दफन है, जो भी उनकी आर्किटेक्चरल हिस्ट्री है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में। देखें, ये क्वेश्चन आ भी गया कि फर्स्ट मुगल रूलर बाबर जो है वो उनका टॉम्ब कहाँ पर है, ठीक है, वो कहाँ पर दफन है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो दफन है काबुल में, ठीक है, काबुल जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। और जो है अगली टेस्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई, या वो ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं कि बाला हिसार फोर्ट किसने बनाया, तो वो बनवाया था बाबर ने। और जो है बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी, वो बनवाई तो बाबर ने थी लेकिन उसका जनरल था मीर बक्की, तो जो था उनको आर्डर था कि आप बाबरी मस्जिद को जो है तामीर करवाएं। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर का जो है असल नाम क्या था, वो था पूरा नाम क्या था, तो उनका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये हर मुग़ल रूलर के बाबर बारे में आ सकता है, ठीक है। जैसे हुमायूं का असल नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, अकबर का नाम था जलालुद्दीन अकबर, ऐसे जो है आपको याद करने पड़ेंगे। जहांगीर का नाम सलीम था, ऐसे जो उनके नाम जो है आप ज़रूर देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़, मैंने आपको कहा था कि आपको नेशनल चीज़ें भी याद करनी पड़ेंगी, कभी कभार वो टेस्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट की टेस्ट में ये सवाल आना नॉर्मल सी बात है, आपको ये है नेशनल चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, ठीक है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान क्या है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जैस्मीन इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब नेशनल बर्ड पाकिस्तान का कौन सा है, वो है चकोर। नेशनल एनिमल कौन सा है, वो है मारखोर। और जो है नेशनल वेजिटेबल कौन सी है, वो है लेडी फिंगर। और जो है नेशनल फ्रूट कौन सा है, वो है मैंगो, मैंगो भी है, गावा भी बोलते हैं उसको, जो अमरूद होता है हमारे पास। और जो है नेशनल जूस कौन सा है, वो है शुगर कैन। नेशनल जो है डिश कौन सी है, वो है निहारी। और जो है नेशनल ड्रेस कौन सी है, वो है शलवार कमीज़। नेशनल माउंटेन कौन सा है, वो है केटू। ये जो भी चीज़ें हैं ना आपको अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। नेशनल फ़िश कौन सी है, वो है महासीर। नेशनल रिवर कौन सा है, वो है इंडस रिवर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप याद करेंगे तो आपकी टेस्ट अच्छी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC इज़ इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN, OIC, SCO, NATO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन SARC, या ASEAN, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्जामिनर की बड़ा फेवरेट एरिया है। इसमें से हर क्वेश्चन हर टेस्ट में जो है ये सवाल दे ही रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से ये पढ़नी चाहिए। OIC का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, सेक्रेटरी जनरल जो है 5 साल के टेन्योर के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट जो है OIC का कौन है सेक्रेटरी जनरल, वो है हिसैन ब्राहम ताहा, ठीक है। हिसैन ब्राहम ताहा जो कि रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल है OIC के, और उनका ताल्लुक है चाद से। चाद एक कंट्री है, CHAD, चाद पढ़ें या चैद पढ़ें, जो आपकी मर्ज़ी है आप पढ़ें। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तानी कौन सा वाहिद जो है सेक्रेटरी जनरल रह चुका है OIC का, तो उसका नाम है सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा, वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल फ्राम पाकिस्तान, ठीक है। जिनको 1985 से लेकर 1988 तक वो सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि OIC कब बनी थी, वो बनी थी 1969 में, ठीक है। पाकिस्तान में भी उस टाइम उसको ज्वाइन किया था, और जो है पाकिस्तान ने इसकी जो है फर्स्ट टाइम दूसरी समिट लाहौर में जो है इनकी होस्ट की थी। और OIC के टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, वो है 57, ठीक है। 57 में से सारे जो है UN के मेंबर हैं, सवाए किस कंट्री के, फ़लस्तीन के, ठीक है। तो ऐसे ही आप तैयारी करेंगे ना तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। जैसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितने जजेस हैं उनका जो है टेन्योर कितना होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जज होता है तो उसका टेन्योर कितना होता है, वो होता है 9 ईयर्स। ये जो भी टेन्योर्स हैं या ईयर्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो भी सवाल है ना, आप अच्छे तरीके से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस GMT+5 एज इट्स स्टैंडर्ड टाइम। GMT का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो
कौन सा कंट्री है GMT+5 को एज इट्स स्टैंडर्ड टाइम इस्तेमाल करता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पाकिस्तान, जो है GMT+5 को स्टैंडर्ड टाइम के जो है हवाले से यूज़ करता है। ठीक है, अब देखे अब इनके सारे हम प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है औरत एक हसीना, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। बांग्ला और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो है सुप्रीम लीडर कौन है, वो है मौलाना हेबतुल्ला अखुनजादा। ठीक है, अब जो है इनके जो है हम कैपिटल देख लेते हैं, जैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, ढाका जहां पर मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। और बांग्लादेश का सिक्का कौन सा है, वो है टक्का। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान का काबुल, और अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, वो है अफगानी। अगला क्वेश्चन है द लैंड ऑफ कैंगरूज इज़, कैंगरूज की लैंड या कैंगरूज की ज़मीन कौन सी जो है कंट्री को कहा जाता है। तो आपने क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो है कैंगरूज कैंगरूज सुना होगा कि वो एक मुल्क को जो है एक टीम को बोलते हैं अक्सर कमेंटेटर। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ कैंगरूज। ठीक है, अब इन सारों के जो है हम कैपिटल देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, ब्रसेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साउथ अफ्रीका एक वाहिद कंट्री है जिसके तीन कैपिटल्स हैं, एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दूसरा उसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, तीसरा उसका जुडिशल कैपिटल है। ठीक है, तो एक कैपिटल है उसका केप टाउन, दूसरा है ब्लोमफोंटेन और तीसरा है उसका प्रीटोरिया। ठीक है, थाईलैंड जिसका कैपिटल है बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक जिसे लैंड ऑफ एंजल्स कहा जाता है। ठीक है, और थाईलैंड की जो है वो करेंसी क्या है, थाई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, 2022 में जो वुमेन्स का ICC वर्ल्ड कप हुआ था ODI, वो किसने जीता था, कौन सी कंट्री ने जीता था। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम ने जो है वर्ल्ड कप 2022 का जीता था। एक और क्वेश्चन यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली टेस्ट में पूछें कि 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो वो जीता था इंग्लैंड ने। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी रनर अप टीम कौन सी थी, तो उसकी रनर अप टीम आप सबको पता होगा, आप सबको जो है दिल से दुख हुआ होगा जब पाकिस्तान ने जो है 2022 के जो है T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हराया था फाइनल में, तो रनर अप टीम कौन सी है, वो है पाकिस्तान। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 वाला ODI जो कप था वो किसने जीता था, तो वो भी इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 की रनर अप टीम कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, आप सबको पता होगा कि वो थी न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो वाज डिसमिस्ड फॉर द सेकंड टाइम इन नवंबर 1996 बाय 1996 में दूसरी मर्तबा जो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई थी, तो उसको किसने जो है डिसमिस किया था। इस आदमी का नाम मैंने आपको बताया और उसका ओहदा भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का सही जवाब आप करके आए होंगे अगर आपने टेस्ट दी है, अगर नहीं दी तो अभी आपको पता चल गया होगा। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी मर्तबा 1996 में बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया था, और प्रेसिडेंट का नाम क्या था, फारूक लगारी। ठीक है, और पाकिस्तान बेनजीर की पहली गवर्नमेंट किसने डिसॉल्व की थी, वो थी की थी गुलाम इसहाक खान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सिंध तास मुआहिदा किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में हुआ था, और उसको एज अ ब्रोकर काम कौन कर रहा था, वो कर रहा था वर्ल्ड बैंक। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया एज अ ब्रोकर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली जो सऊदी और ईरान के जो है ताल्लुकात बहाल हुए हैं, तो उसमें एज अ ब्रोकर किस कंट्री ने काम किया है, तो वो किया है चाइना ने। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना ने आज़ादी कब हासिल की, जैसे पाकिस्तान ने 1947 में जो है आज़ादी हासिल की ब्रिटिश से। ठीक है, इंडिया ने भी 1947 14 और 15 अगस्त में, और जो है चाइना ने जो है कब इंडिपेंडेंस हासिल की, तो उन्होंने जो है 1949 में जो है उन्होंने आज़ादी हासिल की थी। ठीक है, और चाइना का कैपिटल तो मैंने आपको बताया है बीजिंग, जहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वाक़ है। अगला क्वेश्चन है पिलर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड, सिंपली इसमें पूछ रहा है कि इस्लाम के पिलर्स को अरबिक में या और क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अरकान इस्लाम इज़ आल्सो कॉल्ड पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, इस्लाम के पिलर कितने हैं, वो है पांच। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। मैंने आपको इस्लामिक कैलेंडर के मंथ्स बताए थे, आप भी सोच रहे हैं कि क्या सर बोर कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में आते नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, मैंने आपको 7th, 6th, 9th ये मंथ आपको बताता था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुहर्रम जो है हमारे इस्लामिक कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या पता अगली टेस्ट में कोई और पूछ ले, तो इस्लामिक कैलेंडर के जो है मंथ्स में आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शोबान, रमज़ान, शवाल, जुलकद, जुलहज, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अब करंट जो हिजरी चल रही है, कौन सी हिजरी ईयर चल रही है, जिसको हम जो है हमारे यहाँ सिंध में तो बोलते हैं कि भाई अंग्रेज़ी तारीख कौन सी है और सिंधी कौन सी है, तो हम बताते हैं कि भाई इंग्लिश ये है और सिंधी ये है, ठीक है। हिजरी ईयर को यहाँ पर सिंधी तारीख बोलते हैं, तो करंट हिजरी ईयर कौन सा है, वो है 1444 चल रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मुझसे जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकी है मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, खुदा हाफिज़।